अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूं कवल सजाद लेकर आती हूं आप लोग के लिए एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे फ्री ब्यूटिशन कोर्स की क्लासेस ठीक है जिसकी आज ऑलमोस्ट एट क्लासेज सेवन क्लास है, हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का टॉपिक भी हमारा है कोल्ड वैक्स हमने पिछली क्लास में मतलब क्लास नंबर सेवन में सीखा था कि हम कोल्ड वैक्स को हाथों पे किस तरह से करेंगे <coughs> और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कोल्ड वैक्स को पैरो पे, पे किस तरह करेंगे मतलब ब्लैक्स पे किस तरह से करेंगे बहुत इजी है बहुत इजी है अगर आप लोगों ने हाथों की वीडियो देखी है हाथों से ज्यादा इजी है हमें पैरों पे वैक्स करना ठीक है हम किस तरह से करेंगे वो आज हम आज आज की क्लास में देखेंगे अच्छा मैं स्क्रीन पर जो है ना वो चला दूंगी यहाँ पर बहुत सारे कोल्ड वैक्सीस के जो जो नाम मुझे पता है ना उनके अः नेम्स यहाँ लिख दूंगी तो आप लोग एरिया में जो भी अवेलेबल हो आप उससे वैक्स कर सकते हो लेकिन ये जो डायमंड वैक्स वैक्स है मैं वैक्स कर रही हूँ ना ये बहुत जबरदस्त और बहुत ऑसम वैक्स है मतलब इसके लिए मुझे मुझे ना कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे मैसेंजर पे भी सॉरी मैसेंजर नहीं कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पर कि आप ही आपने इसके अंदर आ, मतलब इसको पानी में गर्म करके नहीं किया क्योंकि यूजअली हम लोग कोल्ड वैक्स जो है वो पानी के बकेट को गर्म करते और उसके अंदर रखते फिर हम करते लेकिन इस वैक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें इस तरह की कोई चीज या इतने कोई मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है आप डायरेक्ट वैक्स लो बटर नाइफ लो या ले लो जो आपको लो, और करो, और काम शुरू कर दो। इसके अलावा बहुत सारी और साथ -साथ शेयर करती रहूंगी कि कि इसी वैक्स को हम ज्यादा क्वांटिटी में कैसे बना सकते हैं और मजीद इससे किस तरह से वैक्स किया जाता है तो वो में आप लोग को बताती जाऊंगी अभी तो मैं आप लोग अपने बेसिक्स कवर कर रही हूँ तो चलिए हम देखते हैं आज की क्लास की वीडियो अच्छा जी तो सबसे पहले हम कोई भी स्टूल ले लेंगे या फिर हम इस तरह कंफर्टेबली बैठेंगे कि क्लाइंट का पैर जो है हम अपने नीज के ऊपर रख ले लेकिन मेरे पास स्टूल था तो मैंने स्टूल पर रख दिया था और स्टूल पर रखने के बाद मैंने डायमंड वैक्स लिया है आप लोग चाहो तो मैंने जो वैक्स की लिस्ट लिस्ट आप लोगों को दी है आप लोग उसमें से कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हो लेकिन ये वैक्स बहुत ज़बरदस्त है बहुत औसम है ये बहुत अच्छी तरह से बालों को तो निकालता ही निकालता है जड़ों के साथ लेकिन है ना अच्छी तरह से मतलब स्किन को जो है ना नीट एंड क्लीन कर देता है लाइक आपके जो डेड सेल है ना डेड स्किन उसको भी रिमूव कर देता है मैंने आज तक किसी भी कोल्ड वैक्स में इतनी नीटनेस नहीं देखी है जितनी इस वैक्स में थी इसीलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूँ ताकि जिनका भी होम बेस्ड सलोन है या प्रोफेशनली लेवल पर कोई काम कर रहा है तो वो ये वैक्स लेकर इसको यूज़ कर सकता है ठीक है अच्छा देखो सबसे पहले हमें देखना है बालों का रुख किस तरफ है रुख मतलब डायरेक्शन ठीक है जब भी हम लोग पैरों पे वैक्स करते हैं ना तो यूजुअली हमारे पैरों का जो बालों की डायरेक्शन होती है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ होती है तो हम लोग वैक्स भी जो है ना इसी तरह से लगाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ ठीक है अच्छा अगर आप लोग बिघिन हो ना तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग <coughs> सॉरी थोड़ा थोड़ा वैक्स लेके लगाया करो ओके आ, मैं यूजअली क्या करती हूँ पूरे पैरों पर पे एक साथ लगा लेती हूँ फिर पेपर लेके निकालना शुरू हो जाती हूँ लेकिन अगर आप लोगों में से कोई बिगना रहे ना तो फिर वो ये करो कि थोड़ा थोड़ा वैक्स अप्लाई करो और थोड़ा थोड़ा स्ट्रिप से निकालते जाओ ठीक है अब आप लोगों ने देखा मैंने नीचे वाले पार्ट पे कर लिया है वैक्स और अब मैं ऊपर की तरफ वैक्स लगा रही हूँ आ... वैक्स लगा के फिर वैक्स को अच्छी तरह से देखो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि वैक्स को हम लोग जो है ना वो पतली पतली बिल्कुल पतली लेयर्स में लगाएंगे जितना पतला होगा ना इतना नीटली एक तो वो रिमूव होगा और दूसरा यही पूरी डेड स्किन भी निकल जाएगी आप लोग खुद देखो आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा रिजल्ट है अच्छा मैं इस तरह एक एक हाथ दबा इस दबा के इसलिए निकाल लूँ कि मेरी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा वैक्स करने की मैं बहुत अच्छे से जब पेपर रखती हूँ तो लग तो ऐसा रहा है कि मैं रख रही हूँ निकाल रही हूँ लेकिन मैं प्रेशर के साथ रखती हूँ और फिर निकालती हूँ ठीक है तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है कि बहुत अच्छे से प्रेशर के साथ रखो और फिर खींच लो ओके और अगर आप हो तो फिर आप पेपर को अच्छी तरह से रख के थोड़े मुक्के मुक्के मारो और फिर निकाल लो सही है चलो आप लोग वीडियो देखो आगे मैं किस तरह से कर रही हूँ फिर आगे मिलते हैं हम सही है अब आप लोगों ने देखा जितना भी फ्रंट का पार्ट था ना वो हमने एक ही तरफ बैठे बैठे कंप्लीट कर लिया है सही है वैक्स लगाते गए निकालते गए लगाते गए निकालते गए सेम इसी प्रोसेस के साथ आप लोग थोड़ा थोड़ा लगाते जाओ और निकालते जाओ सही है अच्छी तरह से अच्छा हाँ किसी का पाँव अगर बहुत ज़्यादा लूज है ना मतलब स्किन लूज है तो आप लोग जिस तरह मैं पकड़ती जा रही हूँ ना आप लोग भी इसी तरह पकड़ते जाओगे ठीक है मतलब वैक्स अप्लाई करो और जब स्ट्रिप खींचोगे ना इससे पहले आप दूसरी तरफ से स्किन को थोड़ा टाइटली पकड़ लो इससे क्या होगा कि एक तो पेन कम होता है और दूसरा ये कि अच्छे से बाल निकल जाता है सही है मैं शायद आप लोग को हैंड वैक्स की वीडियो में भी बता चुकी हूँ अच्छा जी अब हम लोग करेंगे अच्छा हम लोग जब भी वैक्स करेंगे ना लेग्स का तो हम लोग अपने फूट को जो है ना वो कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे सही है अदरवाइज़ क्या होगा कि दोनों के कलर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा अगर आप लोग फुट पर अपने वैक्स कर लेते हो ना साथ में तो पूरा एक प्रॉपर नीटली और पूरा एक डेड स्किन डेड रिमूव स्किन जो रिमूव होती है ना वो अच्छी तरह से मतलब बालों के साथ साथ स्किन भी रिमूव होती है तो हमारा एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है ठीक है पूरे फुट पर आप अच्छी तरह से वैक्स अप्लाई कर लोगे पतली पतली लेयर लगा के फिर पेपर से अच्छी तरह से प्रेस करोगे और खींचते जाओगे। अच्छा जी तो अब ये देखो ऑलमोस्ट हमारा फुट भी हम लोगों ने वैक्स कर लिया है आगे से पीछे से हर तरफ से इसी तरह से आप लोग भी किसी टूल पर अपने पैर को रखो और अच्छी तरह से वैक्स अप्लाई करो और खींचते जाओगे ठीक है अच्छा अब जब हम लोग वैक्स कर रहे थे तो हम लोग बैठे इस तरह से थे कि हमारा फ्रंट का पार्टी हो रहा था अगर आप लोग के पास फेशियल बेड है ना तो आप लोग के लिए बहुत ईजी है कि आप लोग क्लाइंट को उस पर उल्टा लिटा दो और अपना वैक्स कम्प्लीट कर लो सही है लेकिन मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है मैंने आप लोगों से पहले ही बताया हुआ है कि मैं एक होमवे सलोन हूँ मेरा सलोन है मैं घर पर ही काम करती हूँ तो मैं क्लाइंट को खड़ा कर देती हूँ और खड़ा करके इस तरह से पीछे जो है पूरी तरह से अप्लाई करती हूँ वैक्स को और फिर पेपर से खींचती जाती हूँ ठीक है अगर जो भी बच्चे मेरी घर में इस तरह से काम शुरू करना चाहती है या कर रही है तो वो इस तरह से काम कर सकता है ठीक है हम किसी भी तरह से ये बहाना नहीं कर सकते कि हम हमारे पास बेड नहीं है तो हम ये नहीं कर सकते या हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हम बिल्कुल थोड़े कम पैसे लेकर बहुत सारा काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं ठीक है जिस तरह से हमारे पास फैसिलिटीज़ कम होती है तो हमारे पास क्लाइंट भी हर तरह का होता है तो हमें अच्छे क्लाइंट्स और इस तरह के क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं चाहिए अच्छा अब आई आप लोग पूछोगे कि मैं लेग वैक्स के कितने लेती हूँ तो अगर कोल्ड वैक्स से मैं लेग लेग्स को वैक्स करती हूँ तो मैं लेती हूँ ऑलमोस्ट 400 तक ठीक है हाफ लेग्स के ठीक है अगर मैं हाफ़ लेग पे वैक्स कर रही हूँ तो मैं चार सौ चार्ज करती हूँ मतलब साढ़े तीन सौ से चार सौ रुपये ठीक है थीके? और अगर फुल लेग्स होता है कोल्ड वैक्स है तो मैं सेवन फिफ्टी तक चार्ज कर लेती हूँ ठीक है और ये दोनों लेग्स की बात कर रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं एक लेग की बात कर रही हूँ मतलब तो अगर एक दोनों पाँव है और आधे पाँव पे घुटनों तक मैं कर रही हूँ तो मैं साढ़े तीन सौ से चार सौ तक चार्ज करती हूँ और अगर पूरे लेग्स करती हूँ फुल लेग्स करती हूँ कोल्ड वैक्स है तो सात सौ से साढ़े सात सौ के बीच चार्ज करती हूँ अच्छा जी तो होप्सो आप लोग को समझ तो आ ही रहा होगा कि मैं वैक्स किस तरह से निकाल रही हूँ किस तरह से लगा रही हूँ किस तरह से पेपर को प्रेस कर रही हूँ मतलब तो जोर दे रही हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से एक झटके में खींच रही हूँ आप लोग देखो मैं किस तरह से इसको दबा रही हूँ और फिर पेपर को खींच रही हूँ इससे क्या होता है कि बाल बहुत अच्छी तरह रिमूव हो जाता है जो मैं आप लोग को बार बार इस वीडियो में बता चुकी हूँ अच्छा जी वीडियो में तो मैं एक ही पैर का वैक्स कर रही करी लेकिन सेम दूसरे पाँव पे भी हम इसी तरह से वैक्स करेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि, कि कोई दूसरे पाओं का तरीका अलग है जब भी हम लोग ये पीछे वाली साइड पर वैक्स करेंगे तो हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आप अपने पाँव थोड़े से खोल दो ठीक है क्योंकि बंद अगर दोनों पैर होंगे तो फिर वैक्स सही सही नहीं होगा आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखवा लो दोनों पाँव के बीच में और फिर वैक्स करो तो बहुत ईजिली से प्रॉपरली पूरा वैक्स हो जाएगी क्लास हो गई है खत्म उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास भी बहुत पसंद आई होगी और क्लियरली समझ आ गई होगी कि हमको वैक्स को कैसे अप्लाई करना है है, पेपर को किस तरह से रखना है इसको किस तरह से खींचना है कितना प्रेशर देना है और प्रैक्टिस कितने हद तक करनी है ठीक है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है मेरी क्लासेस लेने का तरीका समझ आ रहा है पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर क्या करो ठीक है और 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 मुझे कमेंट में जरूर बताया करो कि वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है और हाँ एक और रिक्वेस्ट है कि जो 300 400 500 लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वही 300 400 500 लोग अगर मेरी वीडियो को समझ रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ तो उनको आगे भी शेयर कर दो शायद कुछ लोग आप लोगों की वजह से सीख ले और उनको भी समझ आ जाए तो इस नेकी के काम में आप भी शामिल हो जाए ठीक है जी ओके जी चलिए जी अब मिलते हैं इन फ्राइडे की क्लास में ओके अल्लाह हाफिज बाय बाय